हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और आज मैंने फिर से कोरल ड्रॉ में एक नया ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए तभी आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यहाँ पर आज का जो टॉपिक है उसको मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। ये 3D स्टाइल में एक लोगो है, तो इसको किस प्रकार बनाना है इसका सारा स्टेप इस वीडियो में बात करने हैं। और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें तभी आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। ऑलरेडी मैंने पेज 2 ले रखा है तो इसमें मैं क्लिक करूंगा। आगे बात करने से पहले मैं मेनू बार में जाऊंगा और व्यू में क्लिक करूंगा और यहाँ से पेज और पेज से पेज बॉर्डर यहाँ पर सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद टूल बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ से सिंपली मैं पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ में इस तरीके से यहाँ पर पॉलीगॉन का शेप बना लेता हूँ। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलीगॉन का शेप बगल में 6 है, यहाँ पर मैं 3 इंटर करूंगा और सिंपली मैं इंटर प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। इस तरह से ये ट्रायंगल बन जाना है। पिक टूल लिया, सेलेक्ट रहते हुए शिफ्ट के साथ में आपने यहाँ पर एक डुप्लीकेट बना लेना है इस तरीके से। देख लीजिए आपको जितना मैं सही हो उतना आप कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये ठीक है। राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट बन गया और कंट्रोल डी करूंगा और छोटा सा बनाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। अब आपन क्या करना है, टूल बॉक्स में फिर से जाना है और रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और ये मिडिल वाला का जो ट्रायंगल है इसका लेफ्ट साइड का कॉर्नर यहाँ पर एक बार क्लिक करूंगा और इस तरीके से मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इधर भी मैं कवर करूंगा इस तरीके से। पिक टूल लिया और शेप टूल से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल सिकवेंस डिलीट टूल, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस तरीके से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट कंट्रोल है पूरा सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। ऑल्ट F7 प्रेस करिए ट्रांसफार्म को ओपन करने के लिए। मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा है तो यहाँ से मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर स्केल एंड मिरर में क्लिक करिए और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मिरर हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ये वर्टिकल वाला में क्लिक करना है और कॉपीज में 1 करना है, सिंपली यहाँ से अप्लाई करना है। तो इस प्रकार एक डुप्लीकेट बन जाना है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट कंट्रोल है पूरा सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से वेल्ड करना है। अब अपन क्या करना है, यहाँ फिर से ट्रांसफार्म में जाना है और यहाँ पर रोटेट में ये वाला ऑप्शन को टिक कर देना है और एंगल में 120 दे देना है। यदि यहाँ पर 0-0 रहा है तो 120 आपको डलना है। उसके बाद कॉपीज में 2 करना है और सिंपली अप्लाई करना है। इस तरीके से बन जाएगा। बाहर के लिए डिसलेक्ट, उसके बाद फिलहाल मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। जूम टूल से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ। इस तरीके से हैंड टूल सेलेक्ट करने के लिए एच प्रेस करूंगा और इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। पिक टूल सेव टूल से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वर्चुअल सिकवेंस डिलीट टूल, इसको सेलेक्ट करूंगा और ये वाले लाइन को यहाँ से यहाँ तक मैं रिमूव करूंगा, डिलीट करूंगा इस तरीके से। मैं ये वाला लाइन सबको मैं डिलीट करूंगा इस तरीके से और इधर वाले भाग को भी इसी तरीके से मैं डिलीट करने वाला हूँ। अब ध्यान से देखिए आपको भी इसी तरह से डिलीट करना है। और अब ये हॉरिजेंटल इधर से भी मैं इस वाले लाइन को पूरा डिलीट करूंगा इधर से भी इस तरीके से। इतना करने के बाद पिक टूल कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेल्ड कर देना है इस तरीके से। बाहर के लिए डिसलेक्ट टूल बॉक्स में जाना है और सबसे नीचे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा ठीक नीचे 2 छोटे छोटे एरो है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट करना है और इस जगह पे डिफॉल्ट कलर को भर देना है इस तरीके से। पिक टूल बाहर के लिए डिसलेक्ट, उसके बाद एक एक करके इस भाग को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके ये वाले सर्कल को माउस से पकड़ करके सेंटर में लाना है इस तरीके से। बाहर के लिए डिसलेक्ट, इसको भी डबल क्लिक करिए और इस सर्कल को यहाँ पर डाल दीजिए। बाहर के लिए डिसलेक्ट, ये वाले भाग को भी डबल क्लिक करिए और इस सर्कल को यहाँ पर डाल देना है इस तरीके से। बाहर के लिए डिसलेक्ट, इसको भी डबल क्लिक करिए और इस तरह से यहाँ पर सेंटर में सर्कल को डाल देना है। बाहर के लिए डिसलेक्ट और कोई भी एक लाइन में क्लिक करिए सेलेक्ट हो जाएगा और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करिए डिलीट हो जाएगा। हैंड टूल से थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इस तरीके से। अब आपन क्या करना है, यहाँ पर पिक टूल लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए करूँगा सेलेक्ट करने के लिए और यहाँ से आउटलाइन विड्थ में देखिए एक बार क्लिक करिए और नन करिए। यहाँ से इसका आउटलाइन जो था वो रिमूव हो चुका है। बाहर क्लिक डिसलेक्ट हो गया। अब एक एक करके इसको सेलेक्ट करना है, सब अलग अलग है इस तरीके से। सबसे पहले मैंने ये वाला भाग को सेलेक्ट किया, उसके बाद
उससे पहले मैं बाहर क्लिक करूंगा डिसलेक्ट करने के लिए और एच प्रेस करूंगा हैंड टूल को सेलेक्ट करने के लिए और इधर इस तरह से थोड़ा सा घसका लेता हूं अपना सुविधा के लिए पिक टूल और ये वाले भाग को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कलर फिल, इसमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद कलर मोड में RGB सेलेक्ट करना है और कलर जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कलर नेम रेड सेलेक्ट किया, उसके बाद सिंपली ओके कर दिया, अंदर वाले को सेलेक्ट किया, कलर फिल में डबल क्लिक, कलर मोड RGB, कलर नेम रेड इस तरीके से, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरीके से। आप देख लीजिए आपको जितना में सही लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मेरे हिसाब से ठीक है, ओके कर लूंगा। ये वाला भाग को भी सिलेक्ट करूंगा और कलर फिल में डबल क्लिक, इस तरह से ओपन हो जाना है। कलर मोड RGB, कलर नेम यहाँ आप ब्लू सिलेक्ट करने वाले हैं, इस तरीके से मैं सिंपली ओके करूंगा। अंदर वाले को भी सिलेक्ट करूंगा और कलर फिल में डबल क्लिक करूंगा, कलर मोड RGB, कलर नेम ब्लू करूंगा और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डार्क करेंगे इस तरीके से, मेरे हिसाब से ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब हैंड टूल सेलेक्ट करने के लिए एच प्रेस करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। पिक टूल बाहर क्लिक डिसलेक्ट और ये रेड वाला को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ट्रांसफार्म को ओपन करूँगा इस तरीके से, और ये रोटेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और एंगल में 120 देना है। यदि यहाँ पर 120 ना रहा है तो यहाँ पर 120 आपको डाल देना है और कॉपीज में 2 करना है और सिंपली अप्लाई करना है इस तरीके से। बाहर के लिए डिसलेक्ट और अंदर वाले को भी इसी तरह से यहाँ से अप्लाई करना है, इस तरीके से बन जाएगा। बाहर के लिए डिसलेक्ट और ये ब्लू वाला को भी इसी प्रकार यहाँ पर अप्लाई करना है, बाहर के लिए डिसलेक्ट और अंदर वाले को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है, इस तरीके से बन करके तैयार हो जाना है। बाहर के लिए डिसलेक्ट, फिलहाल मैं ये वाला ट्रांसफार्म को यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। हैंड टूल सिलेक्ट करने के लिए एच प्रेस करूंगा और इस तरीके से एडजस्ट करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ अपना सुविधा के लिए। इसके लिए मैं जेड प्रेस करूंगा और शिफ्ट के साथ में एक बार क्लिक करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। पिक टूल, उसके बाद ये सब अलग अलग है आपको दिखा देता हूँ, तो इसको एक में ज्वाइंट करना है। सबसे पहले रेड वाला का सब कोना को इस तरीके से बाहर का जो भी कोना है सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ में और यहाँ से वेल्ड कर दूंगा। बाहर के लिए डिसलेक्ट, अंदर वाले भाग को भी शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेल्ड करना है इस तरीके से। अब ये ब्लू वाले को तीनों कोना को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करिए और यहाँ से वेल्ड कर देना है। बाहर के लिए डिसलेक्ट, अंदर वाले भाग को शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करना है और यहाँ से वेल्ड कर देना है। बस डिसलेक्ट करने के लिए बाहर के लिए मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये वेल्ड हो चुका है। उसके बाद बाहर क्लिक कर डिसलेक्ट करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल जी करना है ग्रुप करने के लिए और सिंपली पी प्रेस करूँगा सेंटर में लाने के लिए। इस प्रकार ये बन करके तैयार हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से ये बन करके तैयार हो जाना है एक 3D लोगो। मैं इसको आपको बड़ा करके एक बार दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे F9 प्रेस करना है, इस तरह से ये बन करके तैयार हो जाना है। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, यानी छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।